हेलो चिल्ड्रन, टाइनी स्कूल विद पूनम मैम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग करेंगे ई फैमिली के वर्ड की साउंड वर्ड। इसके पहले मैंने ए साउंड वर्ड का वीडियो बनाया हुआ है, जो कि पहले आप लोग ई फैमिली के साउंड देखने से पहले ए फैमिली के साउंड को जरूर देखें, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो बच्चों को जब ई फैमिली के साउंड आप लोग समझाएंगे ना, तो उसके पहले ए साउंड के वर्ड जरूर समझाएं, और उसके पहले जो मैंने फोनिक बनाया है, फोनिक का वीडियो बनाया है, वो जा कर के उसे ज़रूर देखें। क्योंकि जब बच्चा फोनिक सीख लेगा और जब सीख करके ए साउंड सीखेगा, फिर उसके बाद ई फैमिली के साउंड करेगा, तो उसको ए का डिफरेंस और ई साउंड का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग कौन से साउंड करने जा रहे हैं? ई फैमिली के साउंड वर्ड करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें क्या करना है, ये हमारा ई टी है। तो ई टी में हमको क्या जोड़ना है, इसको हमको पहले जोड़ेंगे, यानी कि ऐड करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे ई ई प्लस टी, तो क्या बना? एट। कौन साउंड बना? एट। तो हमने इसको मिला दिया, यानी ऐड कर दिया, तो हमारा बन गया एट। अब ई प्लस डी एड, क्या बना? एड। अब सब बच्चों को ऐसे ही बोलना सिखाएंगे आप लोग, एड। ई प्लस डी बना एड। ई प्लस एन, प्लस का मतलब होता है जोड़ना, तो इसमें हमने कौन सा साउंड जोड़ दिया? ई एन साउंड। तो क्या बना? ई प्लस एन एन एन। ई प्लस डी एग। तो ये हमारा क्या है, हमने इसको मिला करके आप लोगों को यहाँ पर समझाया। अब हम लोग क्या करेंगे, ई टी साउंड के वर्ड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा है जे, जे प्लस ई टी, तो जे का मतलब जे है और यहाँ प्लस है, प्लस का मतलब होता है जोड़ देना। क्या जोड़ देना? ई टी। तो यहाँ पर जे प्लस ई टी, तो क्या बना? जेड। क्या बना? जेड। जे प्लस ई टी जेड। तो यहाँ पर ये जोड़ कर मैंने समझाया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे की भी ई टी साउंड वर्ड के लिखेंगे। तो ये हमारा नंबर टू पर लिखेंगे एन, एन का साउंड होता है ना, 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 एन ना, ई ए टी टा। क्या बना? नेट, नेट। एन का साउंड ना, 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 एट, एट, ना, एट, नेट। फिर पी, पीपा, ई ई टीटा, पेट। डब्लू वा, ई ई टीटा, वेट। एस आ, ई ए टीटा, सेट। वी वा, ई ई टीटा, वेट। एम्मा, ई ई टीटा, मैट। तो बच्चों को जब समझाए ना, तो पहले ये साउंड हम निकालें कि एन का साउंड क्या होता है, ना, 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 एट जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ना एट नेट, प एट पैट, व एट वेट। एस ई टी क्या बना? सेट। एस का साउंड सा, सा एट सेट। वी व एट म एट मैट। तो इसी तरह से आप बच्चों को साउंड वर्ड जब बोलने के सिखाएंगे, तो वो बच्चों को कौन साउंड वर्ड बोलना आ जाएगा। अब हमारा देखिए कौन सा साउंड है, ई एन साउंड वर्ड। अब ई एन साउंड वर्ड में एम, एम का साउंड क्या होता है, म। इसमें हमने ई एन जोड़ दिया तो क्या बना, म एन मैन। क्या बना? मैन। तो बच्चों को ये क्लियर कराइए कि पहले बच्चों को एम का साउंड आना चाहिए, एम का साउंड म, म एन मैन। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग आगे क्या लिखेंगे, एच ह ई एन, क्या बना, ह एन हैन, हैन। डी डा ई ई एन ना डैन, क्या बना, डैन, डैन। पी पा ई ई एन ना पेन। एफ फा ई ई एन ना फैन। अब के का ई ई एन ना कैन। टी टा ई ई एन ना टेन। तो ये हमारे कौन साउंड हुए, ई एन साउंड। चलिए अब हम लोग करेंगे ई डी साउंड। तो आर का साउंड र, र एड, तो क्या बना, रेड। र एड रेड, रेड। अब देखिए क्या आएगा, ब बी का साउंड ब, बी ई डी जोड़ देंगे तो क्या बना, बेड, बेड। एफ फा फ, फ एड फेड। व एड वेड।
ल ल एड लेड एम एम का साउंड म म म एड ए ड क्या बना मैड ट ए ड टेड टेड अब हम लोग करेंगे ईजी साउंड वर्ड कौन सा साउंड हम लोग करेंगे ईजी साउंड वर्ड तो इसमें क्या लिखा है बी बी प्लस ईजी यानी कि बी में मैंने कौन सा साउंड जोड़ दिया है ईजी साउंड तो क्या बन गया ब एग बैग तो कैसे लिखेंगे बैग बी प्लस ईजी बैग अब लिखेंगे एल एल का साउंड क्या होता है ल ल ल एग लेग लेग पी पा पी पा ई जी पैग न न एन का साउंड न ए ग नेग म ए ग मैग वी वी का साउंड व व ए ग वैग स एस का साउंड स स ए ग क्या बना सैग तो ये हम लोगों ने आज कौन से साउंड सीखे ई फैमिली के साउंड सीखे ओके थैंक यू अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें थैंक यू